एलिस कौशिक ने अपनी एक्टिंग की वजह से पंड्या स्टोर के फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पंड्या स्टोर की टीआरपी का एक रीज़न एलिस कौशिक भी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एलिस कौशिक की बायोग्राफी शेयर करने वाले हैं। एलिस की लाइफ की कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोगों को पहले नहीं पता होंगी, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हिंदू फैमिली से होने के बाद भी एलिस का नेम इंग्लिश क्यों रखा गया। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने है। एलिस का जन्म 29 अक्टूबर 1997 दिल्ली की एक हिंदू फैमिली में हुआ। एलिस को सभी प्यार से एली बुलाते हैं। एलिस ने कभी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के बारे में कभी भी कुछ भी शेयर नहीं किया। एलिस का एक भाई भी है जो कि उससे 2 साल छोटा है, और उसके साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस एलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। एलिस का नेम एक इंग्लिश नेम है जिसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी छिपी है। एलिस की जो मदर है उन्हें इंग्लिश मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, और जब एलिस पैदा होने वाली थी उससे पहले एलिस की मदर ने काफ़ी सारी इंग्लिश मूवीज़ देखी थी, जिसमें से एलिस एंड वंडर एक मूवी उन्होंने देखी, जिसके कैरेक्टर और नेम उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी एलिस रख दिया। एलिस की मदर का मूवीज़ में इंटरेस्ट होना एलिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा। एलिस को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। एलिस ने बचपन से ही अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना शुरू कर दिया, और अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज दोनों ही दिल्ली से कम्प्लीट किया। और अगर बात करें कि एलिस ने अपना एक्टिंग में करियर किस तरीके से शुरू किया, एलिस ने 2015 में अपना फर्स्ट डेब्यू दिया सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन सीरीज़ सूर्य पुत्र कर्ण में। इस सीरीज़ के अंदर एलिस ने उत्तरा का रोल प्ले किया था, और ये सीरीज़ जो है वो 2016 तक चली। 2017 में स्टार प्लस के सीरियल 2.5 किलो प्रेम में एलिस ने मेघना राहुल मिश्रा का रोल प्ले किया, जिसके अंदर फैंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और इसी के अगले साल 2018 में स्टार प्लस के सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम में एलिस ने परी रस्तोगी का रोल प्ले किया। 2020 में सब टीवी के शो काटेलाल एंड सन्स के अंदर एलिस ने प्रियंका चौटेला का रोल प्ले किया। इतने सारे टीवी शोज करने के बाद भी एलिस को अभी तक वो पहचान नहीं मिली थी जिसके लिए एलिस ने एक्टिंग करना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद जो एलिस को टीवी सीरियल मिला उसके बाद एलिस की जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। 2021 में एलिस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ चुका था। एलिस को स्टार प्लस की तरफ से पंड्या स्टोर में रावी का रोल ऑफर हुआ, जिसके वो कन्वर्टिलो के ऑपोजिट रोल प्ले कर रही थी। इस सीरियल के अंदर एज ए रावी लोगों ने एलिस को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। शिवा और रावी की जोड़ी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि ऑन स्क्रीन के साथ साथ भी लोग इन्हें ऑफ स्क्रीन भी देखना चाहते थे। और इस शो में आने के बाद एलिस ने वो पहचान पाई जिसके लिए एलिस ने एक्टिंग करना शुरू किया। और अगर हम बात करें एलिस के रिलेशनशिप के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने को स्टार कन्वर्टिलो के साथ रिलेशनशिप में हैं। और सोशल मीडिया हैंडल पर एलिस एंड कन्वर दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फैंस के साथ शेयर किया। और अगर हम एलिस के फ़ैन बेस के बारे में बात करें, तो एलिस का बहुत अच्छा फ़ैन बेस है। इंस्टाग्राम पर एलिस के 350K से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एलिस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर काफ़ी सारी अपनी डेली रूटीन्स की चीज़ें शेयर करती रहती हैं। आई होप गाइज आप लोगों को एलिस कौशिक की जर्नी बायोग्राफी जानकर अच्छा लगा होगा। इनकी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके साथ काफ़ी सारे यंग यूथ जो हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कमेंट करके हमें बताएं कि एलिस की जर्नी कैसी लगी आप लोगों को, इनका सीरियल आप लोगों को कैसा लगता है वो भी शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आप लोगों को सेलिब्रिटीज़ की काफ़ी सारी अपडेट्स देते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।